केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी से हिंदू संगठनों में आक्रोश है। इसी के विरोध में आज परशुराम स्वाभिमान सेना संगठन के लोगों ने कमिश्नरी चौराहे पर उदयनिधि स्टालिन का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्टालिन के खिलाफ नारेबाजी की और राष्ट्रपति से मंत्री को फांसी की सजा देने की मांग की। देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार शर्मा, मैं राष्ट्रीय परिवहन परिषद का जिला अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पे पुतला फूंका है, किस चीज़ को लेकर? ये जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का जो लड़का मंत्री है उदयनिधि, ने जो सनातन धर्म को लेकर गलत गलत टिप्पणी कर रहा है, हम राष्ट्रीय परिवहन परिषद के सभी पदाधिकारी इकट्ठे होकर के राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसको फांसी की सजा दी जाए। पूरे सनातन धर्म में इस बात को लेकर के रोष है और इसकी आवाज राष्ट्रीय परशुराम परिषद स्वाभिमान सेना पूरे देश में उठाएगा। और अगर ये मांगे पूरी नहीं होती तो क्या अगला एक्शन होगा आपका? जनता मंत्री धरना दिया जाएगा अगर ये मांगे पूरी नहीं हो ठीक। हर जगह पुतले फूंक जाएंगे, गांव गांव में जाएगा, पूरे देश के अंदर अधिकारियों से मिलेंगे, भी समय दे रखा, माननीय जिलाधिकारी से समय दे रखा है, राष्ट्रपति साहब को ज्ञापन दिया जाएगा उनके माध्यम से। बस बाइक की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।